रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सो आज हमारा एक टॉपिक है ईद उल अज़हा एंड डायबिटीज के हवाले से। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो तमाम नए सुनने वालों तक एक इंट्रोडक्शन हम देते हुए चले। मेरा नाम डॉक्टर सनिया बशीर है, मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर हूँ और एक टेलीमेडिसिन पोर्टल हम रन करते हैं जहां बात होती है शुगर के मरीजों की एजुकेशन की, केयर की और उनकी प्रिवेंशन की। कराची और हैदराबाद में मैं फिजिकल क्लिनिक्स देती हूँ और बाकी हम ऑनलाइन पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से जितने भी पाकिस्तानीज हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तमाम नए सुनने वालों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा और डायबिटीज के हवाले से। जैसे कि बात होती है ईद की और सेलिब्रेशंस की, फेस्टिविटीज की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तमाम शुगर के मरीजों को उसी तरीके से अपनी सेलिब्रेशंस, अपनी फेस्टिविटीज को एंजॉय करना चाहिए जैसे कि एक आम इंसान करता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ना सिर्फ डायबिटीज पेशेंट बल्कि प्री डायबिटीज एंड हाई रिस्क पेशेंट भी इस बात पे समझ लें कि हमें अपने त्योहारों को हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हुए कैसे गुजारना है और किस तरीके से उसे हेल्दी बनाना है। तो जहां बात आती है ईद कुर्बान की, ईद उल अज़हा की, तो वहां तो बात होती ही गोश्त की है। तो जी हाँ, हम जिक्र करेंगे कि आया एक डायबिटिक पेशेंट गोश्त को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और गोश्त में ऐसा क्या होता है। देखें, सबसे पहला जो टिप मैं आपको बताती चलूं, बहुत कॉम्पैक्ट मैं कोशिश करूंगी, टिप नंबर वन ये है कि आपने ऑर्गन मीट का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर करना है तो सिर्फ सुन्नत के मुताबिक चखना है। आपने प्लेट भर के आप कलेजी या गुर्दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मौजूद सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शुगर्स को अफेक्ट कर रहा है, आपकी कैलोरीज को अफेक्ट कर रहा है, आपके वेट को पुट ऑन कर रहा है। तो आपने जो है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऑर्गन मीट से परहेज करना है, कम से कम खाना है, और जो हाई रिस्क पे है उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाना। सेकेंडली बात यह आती है कि आपने बड़े का गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें चिकनाई कंसर बहुत ज्यादा मौजूद होता है, तो इस चीज से भी आपने इज्तनाब करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप छोटे का गोश्त यानी कि बकरे का गोश्त खाते हैं तो उसमें आपने दस्ती के गोश्त का इस्तेमाल करना है। चौथी बात यह है कि आपने, चूंकि ईद कुर्बान का गोश्त जो है हम बिल्कुल फ्रेश खा रहे होते हैं तो उसमें वैसे ही फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो ख्याल इस बात का रखें कि गोश्त को हमेशा बॉईल करके, ग्रिल करके या बारबेक्यू की फॉर्म में इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है एज कम्पेयर के आप उसे उसके बिरयानी बना के खा रहे हैं या कुरमा बना के खा रहे हैं, तो इसमें मजीद तेल डाल के इसको पकाना सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो बेहतरीन है कि आप इसे ग्रिल कर लें, आप स्टेक बना लें या बारबेक्यू कर लें, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि वो पूरा दिन गोश्त का होता है तो कोशिश करें कि किसी एक टाइम पे आप गोश्त को स्किप करके वेजिटेबल पे आ जाएं या चिकन पे आ जाएं या दाल पे आ जाएं। तीनों टाइम पेट भर के गोश्त खाने की से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि अगेन वो आपकी शुगर्स को, आपकी कैलोरीज को हर तरीके से वो बढ़ा रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि खाना खाने से पहले लाजमी तौर पे दही और सैलड का इस्तेमाल साथ में करना है जो अमूमी तौर पे ईद कुर्बान पे देखने में नहीं आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने अपने पोर्शंस में रह के खाना है और आपने साथ में वेजिटेबल, सैलड, फ्रूट और दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। इससे ये होगा कि आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी, फाइबर कॉन्टेंट ज्यादा होगा, उसको हजम होने में हेल्प मिलेगी और वो इनडाइजेशन या एसिडिटी की शिकायत नहीं करेगा जो कि एक डायबिटिक पेशेंट में अमूमी तौर पे होती है। और अगर इस तरह की चीज वो खाएंगे तो डेफिनेटली ये चीजें जो है वो हेल्प आउट करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम समर सीजन में डायबिटीज समर सीजन में ईद उल अज़हा को फेस कर रहे हैं, तो पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो। वो लोग जो कि कुर्बानी के कामों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि पानी के साथ साथ आप नींबू पानी का इस्तेमाल या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें नमक और चीनी का इस्तेमाल ना हो ताकि आपके हाइड्रेशन लेवल अच्छे रहें, ऐसा ना हो कि गर्मी की वजह से आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो अप हो जाएं। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जैसे मैंने जिक्र किया कि फलों का इस्तेमाल रखना है तो दिन में 3 दफा एक एक फल खाना जरूरी है जिसकी वजह से आपकी शुगर क्रेविंग्स भी कंट्रोल होंगी, आपको फाइबर भी मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आप जो खाना खा रहे हैं या जो गोश्त खा रहे हैं उसको भी हजम होने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने गोश्त खाने के साथ साथ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि आपने वर्जिश करनी है, वर्कआउट्स करने हैं,
आधा घंटा पौना घंटा ने टाइम निकाल के जरूर जरूर एक ब्रिस्क वॉक करना है। वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर के कामों में मसरूफ होती हैं, तो उनके लिए भी यही हिदायत है कि घर में रह के भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि आप घर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है हमारे यहाँ ईद कुर्बान पे, जो कि बहुत ही नॉन हेल्दी ट्रेडिशन है, वो ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस करें आप किससे? अगेन कच्ची लस्सी से, या लीमू पानी से, या फिर सिंपल वाटर से। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको हजम करने में खाने को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। इसके बाद चूंकि डायबिटिक पेशेंट हैं और बहुत जरूरी है कि मेडिसिन इनटेक ऑन टाइम लिया जाए, इंसुलिन लगा रहे हैं तो खाने से पहले इंसुलिन लाजमी तौर पर लगा ली जाए, और अपनी शुगर पे अगर आपको हम रोजाना शुगर चेक करवा रहे हैं तो उन 2-3 दिनों में भी आपने अपनी शुगर पे जरूर नजर रखनी है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जिनको आप फॉलो करके यकीनन बहुत अच्छी और बहुत सेहतमंद ईद गुजार सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज टेलीकेयर चाहता ही यही है कि अगर तो आप डायबिटिक नहीं है तो आपको हर मुमकिन कोशिश करके डायबिटीज होने से बचा लिया जाए। अगर आप प्री डायबिटीज को भी टच नहीं किए हैं तो हमारी कोशिश है, और आप हाई रिस्क में हैं तो हमारी कोशिश है कि आप प्री डायबिटीज को भी टच ना करें। लेकिन अगर आप डायबिटीज ऑलरेडी डायग्नोस केस है तो हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि आपको डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा लिया जाए, और डायबिटीज को जितना हद तक हो सकता है उसे कंट्रोल करके एक बहुत ही सेहतमंद, एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप गुजारें डायबिटीज होने के साथ साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। हज के मुबारक दिन है, डायबिटीज टेलीकेयर और उसकी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में शामिल रखिएगा। हम सब की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की पेशगी बहुत बहुत मुबारक। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।